नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत वाली मूंगफली की चटनी की रेसिपी। आइए मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ कैसे बनाना है इसे। तो मूंगफली की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप मूंगफली ली है। इसको हमें इस तरह से लो फ्लेम पर रोस्ट करना है, भूनना है। तो 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा मूंगफली को भूनने में। जब मूंगफली भुन जाएगी तब इसके ऊपर जो छिलका है उसको हम हथेलियों के बीच में मसल कर अलग कर देंगे और सिर्फ मूंगफली हमें लेना है। और मूंगफली को हल्का सा ठंडा करने के बाद ही यूज करें, एकदम गर्म ना यूज करें। ये देखिए मूंगफली का छिलका मैंने हटा दिया। आधा कप मूंगफली है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ इस तरह से मिक्सी के जार में। अब इसमें तीखेपन के लिए हम ऐड करेंगे 2 हाथों से तोड़ी हुई हरी मिर्च। साथ ही इसमें आधा कप धनिया ऐड करूंगी मैं, फ्रेश धनिया है, बहुत अच्छा कलर आएगा इससे हमारी चटनी में। खटास के लिए हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस, तो आधा नींबू का रस ऐड कर दें। अब फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दही। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच दही लिया है और दही को मैंने आधा कप पानी में अच्छे से चला लिया, मिक्स कर लिया और वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो आप इस तरह से या तो बटर मिल्क बनाकर ऐड कर सकते हैं या 2 चम्मच दही ऐड कर दें। साथ ही हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर व्रत वाले सेंधा नमक का यूज किया है। आप अगर रेगुलर दिनों के लिए बना रहे तो आप सिंपल सादा नमक का यूज कर सकते हैं। ये देखिए चटनी को यहाँ पर पीस कर हमने रेडी कर लिया है। तो तैयार है हमारी मूंगफली की चटनी। आप इसको वड़ों के साथ, पकौड़ों के साथ, किसी भी साउथ इंडियन स्नैक के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको डोसों के साथ खा सकते हैं, उत्पम, वड़ा, अप्पे, किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चटनी को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इस पर एक तड़का ऐड करेंगे, जिसके लिए मैंने एक तड़का पैन में 2 चम्मच तेल डाला है। तेल को मैंने हीट कर लिया और इसमें यहाँ पर 1 छोटी चम्मच मैं ऐड करूंगी सफेद तिल। आंच को मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया और तिल को हमें कुछ सेकंड भूनना है। जब इसका कलर चेंज होने लगेगा तब इसमें हम थोड़े से करी पत्ते ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम व्रत वाली चटनी बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें राई का यूज नहीं करेंगे, वरना तड़के में आप राई भी ऐड कर सकते हैं। और सेम तरीका फॉलो करके आप सिंपल आम दिनों के लिए ये मूंगफली की चटनी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तड़के को मैंने चटनी पर डाल दिया है और तैयार है हमारी मूंगफली की चटनी। बहुत ही यमी है फ्रेंड्स। और खटास के लिए मैंने इसमें नींबू का रस यूज किया है, साथ ही थोड़ा सा दही भी ऐड किया है। आप दोनों चीजों को डालकर जरूर देखिएगा, थोड़े थोड़े अमाउंट में डालिएगा। जो खटास है वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, तो आपकी चटनी बहुत ही टेस्टी लगेगी। साथ ही मूंगफली भी अच्छे से भुनी हुई हो तो टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा आपकी चटनी का। इस रेसिपी को आप बनाकर देखें और मेरे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।